यह फ्रॉम एल्केन मतलब हेलो एल्केन ही बनाया जाएगा, लेकिन एल्केन से बनाया जाएगा। इससे पहले एल्कोहल से बनाया गया था, जैसे मीथेन है। मीथेन का रिएक्शन Cl2 से कराएंगे क्लोरीन से, तो कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह। तो क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया, यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं। HNO का मतलब हुआ सनलाइट, तो क्या करेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा, उसके यहाँ पर क्लोरीन आएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन ये वाला, क्योंकि दो क्लोरीन में एक क्लोरीन रिएक्शन कर लिया, तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिल गया, HCl बना दिया। लेकिन रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकेगा, रिएक्शन तब तक होगा जब तक चारों क्लोरीन हट ना जाए। ये जो क्लोरोमीथेन है, ये क्लोरोमीथेन फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा और एक और हाइड्रोजन हटा देगा, तो डाइक्लोरोमीथेन बन गया। फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल गया, क्या बनाएगा, HCl। फिर क्या करेगा कि डाइक्लोरोमीथेन एक और हाइड्रोजन हटा के CH3 बनाएगा, क्लोरो जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, फिर से Cl2 से रिएक्शन करके एक और जो हाइड्रोजन है उसको भी हटा देगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बना देगा। तो इस रिएक्शन को कराने में क्या दिक्कत है, ये रिएक्शन जनरली नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है, मान लीजिए कि हमको क्लोरोमीथेन बनाना है, तो क्लोरोमीथेन तो बनेगा नहीं, सब बन जाएगा। क्लोरोमीथेन भी बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन भी बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बन जाएगा। मतलब तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक सारा का सारा हाइड्रोजन हट नहीं जाता, तो आपको सब का पूरा का मिक्सचर मिल जाएगा। अच्छा, सनलाइट एक ही बार देना है, मतलब बार बार नहीं देना है, एक ही बार देंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वो सारा हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है वो सारा का सारा ऐड हो जाएगा। इसलिए इस हेलो एल्केन बनाने के लिए इस मेथड का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जानना जरूरी है। HNO का मतलब हुआ सनलाइट, परावैज्ञानिक किरण के रूप में खास करके यूज होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो मीथेन था, सिंपल था, मान लीजिए कि जो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका तीन कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि इसके बगल में एक बॉन्ड है कार्बन का, ये कार्बन भी 1 डिग्री है क्योंकि इसका भी एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। डिग्री पता होगा, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है, क्योंकि 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है। मतलब ये कार्बन 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री का। इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, अच्छा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा वही डिग्री होता है। जैसे ये हाइड्रोजन 1 डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये दोनों हाइड्रोजन 2 डिग्री हुआ। तो हाइड्रोजन में क्या देखे हैं कि हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ब्रोमीन आता है, तो सबसे पहले ये कोशिश करता है 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने का, तब कोशिश करता है 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने का, और लास्ट में कोशिश करेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने का। यहाँ जो ध्यान दीजिए, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हटाएगा सब, 2 डिग्री भी हाइड्रोजन है, 1 डिग्री भी है। तो पहले किस पर अटैक करेगा, पहले 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आया, फिर अगला यहाँ आएगा, धीरे धीरे करके 1 डिग्री पर भी जाएगा। लेकिन मिक्सचर जो आपको मिलेगा उसमें 2 डिग्री वाला ज़्यादा मिलेगा, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा मिलेगा। मिलने को धीरे धीरे सब हाइड्रोजन हटेगा एक एक करके, लेकिन पहले कहाँ करेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री भी होता तो पहले 3 डिग्री पर रिएक्शन करता, तब 2 डिग्री पर करता, तब 1 डिग्री पर करता। कुल मिला के जब हाइड्रोजन का रिएक्शन एल्केन से कराते हैं तो एक एक करके सारा हाइड्रोजन हट के हाइड्रोजन चला आता है। ये रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में होता है, इसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। इसलिए हमको यदि कोई एक तरह का प्रोडक्ट बनाना हो तो इस मेथड का यूज नहीं होता है। तो इसको कंप्लीट कीजिए, कल वाला टॉपिक लंबा है, कल 1 दिन से होगा।